हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का PS रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे Amazon Prime की मूवी जलसा को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जलसा ये मूवी आज ही अमेजन प्राइम पे रिलीज हुई है। और आगे कुछ बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना पसंद आती हैं तो शायद आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन एक न्यूट्रल ऑडियंस को ये मूवी कैसी लगेगी, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी है माया और रुखसाना की। रुखसाना जिसकी बेटी का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है और इसी स्टोरी को माया नाम की जर्नलिस्ट फॉलो कर रही है। तो रुखसाना की बेटी को किसने उड़ाया, किस तरह से उड़ाया, क्यों उड़ाया और क्या माया इस चीज़ का पता लगा पाएगी या नहीं, यही सब इस मूवी की कहानी है। अगर हम इसे स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को इस्टेब्लिश करती है, हमें बताया जाता है कि माया किस तरह की इंसान है, रुखसाना किस तरह की इंसान है, रुखसाना की बेटी का एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है, वो सब बस ठीक ठाक ही है। मतलब ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है कि हमारे स्टार्टिंग से ही इस मूवी में कनेक्शन बन जाए और हम जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। ये सब इतने अच्छे से नहीं लिखा गया है। फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है, वो सब भी मुझे बस ठीक ठाक लगा है। मतलब इन सारी चीज़ों को इतनी अच्छे से नहीं लिखा गया कि हम पूरे टाइम इस मूवी में इन्वेस्ट रहें और जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी कारण से जब ये मूवी आगे बढ़ती है, अपने क्वेश्चन को एक्सप्लोर करती है, वो हम उस तरह पर नहीं पाते हैं जिस तरह उन्हें डालना चाहिए था, और ये पूरी मूवी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटेबल बनकर रह जाती है। इसी कारण से जब इस मूवी के हाई पॉइंट्स आते हैं तो हम पे उस तरह का नहीं डाल पाते हैं जिस तरह को उन्हें डालना चाहिए था। इसी कारण से इस मूवी का क्लाइमेक्स हम पे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी फ्लैट निकल जाती हैं, जो कि काफ़ी बुरी बातें हैं। और जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स, तो मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स को काफ़ी बेहतर तरीके से लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर में उतनी डेप्थनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इसी कारण से हम किसी भी कैरेक्टर के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जिस तरह से हमें होना चाहिए था, और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनेमिक्स थे वो भी बस ठीक ठाक ही हैं। और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है इस मूवी में, लेकिन उनसे पर बात करके मैं आपके इस मूवी को देखने का मजा खराब नहीं करना चाहता। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो दोनों ही लीड एक्टर्स का काम जबरदस्त है, और सच में इन दोनों को स्क्रीन पे देखने में मजा आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, तो डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था, और जो एडिटिंग है वो काफ़ी बेहतर होनी चाहिए थी। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना पसंद आती हैं तो आपको ये मूवी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस हो तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम रख के ये मूवी देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे, इसलिए आपको ये मूवी देखनी या नहीं ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोग ये मूवी देख रहे हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत नहीं हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि यार मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।